हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का दुर्गा पूजा भी बहुत ही अच्छे से गया होगा। और मेरा भी बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा गया और आज तो दशहरा है। सो फाइनली मैं नहा वहा के पूजा वूजा करके खाना खा के मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैंने पहना ये साड़ी। तो मैं सोची चलो ठीक है, आप लोग से थोड़ा पहले बातें कर लेती हूँ फिर आगे का काम करूँगी। और आगे का काम क्या है, अभी कुछ काम नहीं है, अभी बस रेस्ट ही करना है। और ये देखिए मेरा ये चाबी लगाई हुआ है। मेरे साथ हमेशा हो जाता है कि मैं गोदरेज का चाबी लगा के भूल जाती हूँ। सो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, ये लाइट सब ऑफ कर देती हूँ। और हाँ, एक सेकेंड, मैं लाइट सब ऑफ कर दी हूँ। और कुछ कपड़े थे, मैं कपड़े वॉश कर चुकी हूँ। अब थोड़ा मैं लेट के आप लोग से बातें करती हूँ। सो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और बाबू सो रहे हैं, मेरे बेटे सो रहे हैं। सो अभी बाबू सोएगा ही, क्योंकि आप लोग को जैसा पता ही है कि बाबू को अगर जितना मतलब शांति मिलता है तो उतने देर तक ही सोता है। सो मेरा तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो अभी कल से तो बहुत ही ठीक है। कल तो बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैं कल कहीं जा भी नहीं पाई थी, पता है कहीं भी नहीं जा पाई थी। तो आज देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो मैं विंडो एक्चुअली खोल के रखी हूँ, इसीलिए इतना घर में लाइट आ रहा है। विंडो बंद कर देती ना तो अंधेरा अंधेरा सा आ जाता, क्योंकि ऐसा विंडो है मेरे यहाँ, देख लो आप लोग भी। देखा, हाँ तो पता नहीं विंडो दिखा या नहीं दिखा, मैंने तो मैं दिखाने की कोशिश की, मैं एक्चुअली बैक कैमरा से नहीं दिखाई, फ्रंट कैमरा से दिखा रही थी। सो यही है। और ये मेरा नेल पेंट देखिए, नेल पेंट मैं निकल गया, मुझे नेल पेंट दोबारा से लगाना होगा, लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी तो जस्ट आके बैठी हूँ मैं। और मेरा अगर पिछला ब्लॉग भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा कि कैसा मेरा ब्लॉग लग रहा है आप लोग को, मैं अच्छा ब्लॉग बना पा भी रही हूँ या नहीं पता नहीं। और ये देखिए बाबू सो रहा है, फेस नहीं दिख रहा इसका। मैं चुपैक कल आके ना चूड़ा खोल दी थी, फिर मैं ये पहन ली थी, क्योंकि सोने वोने में चूड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं सोचा चूड़ा निकाल के उतना मैं पहन के नहीं जा सकती। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लाठी पहन ली थी। हम लोग के बिहार मुजफ्फरपुर साइड ना ये लाठी बहुत फेमस है, ला का बनता है ये, मैंने भी यही पहन लिया है, सिंपल सा हल्का सा। और खाना भी खा चुकी हूँ, खाना आज बनाई थी मैं, चावल दाल और क्या, आलू गोभी का सब्जी और भाजी कौड़ा, ये सब बना है। एक्चुअली आज ट्यूसडे है ना, तो मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा आज, कल नॉनवेज बनेगा, वेडनेसडे है तो नॉनवेज बनेगा। और कल हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे एक्चुअली में, कल शाम में। अब मेरा टैडी बियर आप लोग देखे हैं, ये देखो मेरा टैडी बियर, बड़ा बड़ा टैडी बियर है ना, देख लो यू, देखो यू यू बड़ा वाला, ये बड़ा वाला मुझे बहुत क्यूट लगता है, मैं एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा टैडी बियर है, वहाँ भी बहुत सारा, यहाँ भी है। मुझे एक्चुअली टैडी बियर बच्चों को पसंद होता है, बट मुझे भी एक्चुअली टैडी बियर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो अच्छा लगता है टैडी बियर, और कुछ फ़ोटोज़ भी आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगी। एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि जैसे मैं अररिया में हूँ तो कंटिन्यू मैं वहीं पर हूँ, वहीं पे होने से मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। मैं तो चलो ठीक है अररिया में ही हूँ, आपको जब भी कुछ अगर निकालती हूँ उस टाइम ही ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और यहाँ है कि अब वो काम है नहीं, बट क्या तो निकालना है, सो मैं इसलिए दिखा नहीं पाती हूँ, नहीं तो मैं बहुत सोचती हूँ बहुत कुछ दिखाने का। मैं सोची मेरे पास यहाँ एक्चुअली साड़ी बहुत सारी है, मेरे पास यहाँ मेरे ससुराल में मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं सोची थी आप लोग से इस बार जाऊँगी तो साड़ी के मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है साड़ीज का, वो मैं आप लोग के साथ शो करेंगी। मैं ब्लाउज डिज़ाइन किसे सिलवाई हूँ वो सब शो करूँगी, बट मैं अपने कुछ शो कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेन बात है कि मैं यहाँ पर कभी आऊँगी 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कम से कम, तो ही उतना टाइम मिल पाएगा कि मुझे वो सब निकाल निकाल के मैं आप लोग के साथ दिखाऊँ।
चलिए कोई बात नहीं, देखती हूँ जब भी होगा, मैं जब भी कुछ निकालूंगी मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी कि मेरी मतलब शादी के टाइम का क्या है, नहीं है ऐसा कुछ शेयर करूँगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं शेयर करूँगी। और अभी राहुल जी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा मार्केट गए हुए हैं किसी काम से, पता नहीं किस काम से गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोग को भी नहीं कैसे बताऊँ कि किस काम से वो गए हुए हैं। बट पता नहीं, मैं सोची थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी से, दोपहर के टाइम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं ब्लॉग कब एंड होता है। मुझे लगता है कि आज का जो मेरा ब्लॉग है, हो सकता है कि शाम को मैं एंड कर दूँ वीडियो क्लिप अगर ज़्यादा हो जाए तो, और नहीं तो फिर लगता है कल तक चलेगा, जैसा होगा मैं आप लोग को बताऊँगी। चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोग से बाद में बातें करती हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ओके हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुका है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए मेरे विंडो से दिख रहा है, मेरे विंडो से देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कहीं से भी नज़ारा अच्छा ही दिख रहा है। देखिए यूँ देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा है ना। और मेरा फेस एक्चुअली क्लियर इसलिए नहीं आ रहा होगा, ये देखिए बाबू क्या कर रहा है मेरे पर्स के साथ। दे दो बेटा मम्मा का पर्स। तो मतलब एक लाइट है ना, एक लाइट की वजह से मेरा फेस अंधेरा मेरा टाइप का दिख रहा है। और एक इन्वर्टर से ही कनेक्शन है, अभी लाइट कटा हुआ है अभी, तो ये इन्वर्टर का एक ही लाइट जल रहा है और एक उसमें लाइट मैंने, बेटा अब इसको पर्स चाहिए इसलिए रो रहा है ये। आइए देखिए, राहुल जी भी रेडी हो चुके हैं, बाबू भी रेडी हो चुका है, और मेरी ननद है वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। मैं बैं बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं कर फील करती हूँ हेवी साड़ी पहनने में, तो मैंने ये साड़ी ही पहना था, मैं यही साड़ी पहन के जा रही हूँ। ये देखिए, तो एक्चुअली मेरा सब साड़ी न्यू टाइप का इसलिए रहता है क्योंकि मैं यहीं आती हूँ, तो साड़ीज़ पहनती हूँ दो चार दिन, तो सब फिर वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो मैंने अपना चूड़ा भी पहन लिया है, सुंदर सा चूड़ा मेरा। तो ये देखिए बाबू को, मेरा फेस एक्चुअली अंधेरा अंधेरा आ रहा है क्योंकि ये देखिए सोना सूज पहन के देखिए बेड पे है। ए हेलो बोल दो सबको। नहीं देख रहे कितना मस्ती कर रहा है, इसको यहाँ पे बहुत मस्ती सोया हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो चलिए ठीक है, अब मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी। घर में दिया हुआ भी जल चुका है, साफ हो चुका है ना, तो घर में दिया हुआ भी जल चुका है। तो अब मैं निकलती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ का पंडाल और लाइटिंग कैसा है। कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, बट यहाँ के लोगों के लिए वो खास ही होता है। चलिए मैं आप लोग को वहाँ का शेयर करती हूँ, चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा घर में शाम का पूजा हो चुका है, दिया जल चुका है, मेरी सास यानी मेरी मदर इन लॉ ये दिया जला चुकी है। और मैं सोची चलो थोड़ा आज आपको वीडियो शूट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कब दिखा पाऊँगी। तो मैं चलो जो भी मुझे दिख रहा था कि मैं वीडियो क्लिप ले पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर की हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिला है वैसे वैसे। तो प्लीज़ अगर कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। और ये देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं और शाम का टाइम है, तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए पंडाल घूमने के लिए। तो दशहरा का दिन था जिस दिन पंडाल घूमने और बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ, जब हम लोग घूमने गए बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो नए हमारा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, और हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं, शाम हो चुका है जैसा कि आपको दिख रहा है कि मतलब होटल का अंधेरा हो चुका है। तो एक्चुअली आपको ये वीडियो जो मैं सॉरी एक्चुअली मेरे घर में प्रॉब्लम है, सो ये वीडियो जो आप मैं ये देख रही हूँ वो वीडियो क्लिप आपको मिलेगा देखने को जब मैं अरेडिया जाऊँगी, तो क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू है मेरे ससुराल में, वीडियो अपलोड बहुत प्रॉब्लम से होता है, इसलिए मैं इस वीडियो क्लिप को अररिया जाके ही मैं उसको मैं अपलोड पे डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा ये वीडियो है, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। हम लोग बिहार में इसी तरीके का पंडाल बना हुआ है, ये जो पंडाल मैं आपको दिखा रही हूँ बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लालगंज का है, जिस जगह पर है वो लालगंज है बिहार में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत बड़ा जगह है। यहाँ से मुजफ्फरपुर जो है मुजफ्फरपुर टाउन वहाँ पर ज़्यादा करके 45 किलोमीटर चाहिए। तो देखिए ये है पंडाल, और अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और पिछले वाला वीडियो भी कैसा लगा होगा, जो नहीं देखिए प्लीज़ मुझे कीजिएगा। तो अररिया का जो वीडियो
एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। पंडाल घूम चुके हैं और आप जैसा देख रहे हैं कि बिल्कुल गाड़ी ड्राइव करने में बिल्कुल भी राहुल जी को नहीं बुलाया था और इतना सारा गाड़ी था उसमें इतना सारा आदमी, मतलब बाढ़ इतना आदमी था तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, चलो कुछ खा लेते हैं, तो कुछ खाने के लिए आ गया और खा के हम लोग अब सीधा घर जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ और ये ब्लॉग आप लोग इंजॉय किए होंगे, लाइक कीजिएगा। ओके बाय।